हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है आईएसओ 14000 पे। ठीक है, अब ये आईएसओ 14000 मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ने ये जो रूल है सर्टिफाइड किया 14000, जिसके अंदर इन्वायरमेंट पे पड़ने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया है। अगर आपकी कोई भी इंडस्ट्री है और आप उसको सेफ रखते हैं, इन्वायरमेंट जो है वहाँ का फ्री है, हैज़ार्ड्स फ्री है, एक्सीडेंट्स फ्री है और ग्रीनरी है और वहाँ पे होने वाले जितने भी हैज़ार्ड्स वगैरह वो सब कुछ सेफ़ हैं, तो आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, जब आपकी कंपनी की बात आती है, कंपनी के प्रमोशन क्या उसके लेवल की, ठीक है, उसका लेवल हाई करना है तो क्या होता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं कंपनी को। ठीक है, तो ये अवार्ड्स किस बेसिस पर रहते हैं, यही देखा जाता है कि आपके पास कितने अवार्ड हैं, आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट है जिनके बेसिस पर हम अवार्ड्स दें आपको। ठीक है, तो आपके पास आईएसओ 14000 का भी है, आईएसओ 14031 का भी है, 14020 का भी है, तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ आपका जो इन्वायरमेंट है वो फ्री है, इन सारी चीज़ों से फ्री है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं आईएसओ के बारे में। ठीक है, तो आईएसओ 14000 जो है वो आपके इन्वायरमेंट के लिए है। ठीक है, तो इसी तरीके से आईएसओ 14001 है जो कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम देखता है। ठीक है, उसमें स्पेसिफिकेशन किया गया है, गाइडेंस दी गई हैं कि आप कैसे इन्वायरमेंट को सेफ रख रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आईएसओ 14004 है जिसमें भी सेम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम देखा गया है। ठीक है, किस तरीके से आप उसे सेफ रख रहे हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है ये पूरा 14000 जो है। 14010 है जिसमें कि क्या दिया गया है, आप कैसे डिस्कस कर रहे हैं, जर्नल प्रिंसिपल कैसे फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, 14011 में जो है वो ये बताया गया है, आप ऑडिटिंग जो हो रही है आपके यहाँ की, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैसा है वहाँ का, ऑडिट कैसे करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट होना, अगर आपके पास, आपकी इंडस्ट्री के पास ये सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बेस्ट है ये। इस तरीके से इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ 14000, तो इसका बेटर मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट रिस्क, मतलब अपन जो इंडस्ट्री अपने यहाँ सबसे बेटर मैनेजमेंट किया गया है। ठीक है, एनवायरनमेंट रिस्क से बचने का। ठीक है, इंक्रीज्ड एसेस कस्टमर बिजनेस पार्टनर। ठीक है, जैसे कि अपनी इंडस्ट्री अगर इन सब चीज़ों से सेफ है तो अपने पास सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट होगा तो ये शो करेगा कि आपका जो इंडस्ट्री है वो हैज़ार्ड्स फ्री है, एक्सीडेंट्स फ्री है, आपके यहाँ सारी चीज़ें वेल मेंटेन करके रखी गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यही शो कर रही हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो सारी चीज़ें फॉलो कर रही है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है तो। और ये सर्टिफिकेट होता है तो इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत हाई हो जाती है और आपकी इंडस्ट्री को अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये अवार्ड फंक्शंस भी होते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि ये इंडस्ट्री बेस्ट है, क्वालिटी के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो क्वालिटी के साथ साथ आपने वहाँ की क्वान्टिटी, क्वालिटी, इन्वायरमेंट इन सब पर ध्यान दे रखा है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट तब दिया जाता है। और सारी चीज़ें आपको देनी है, देखनी हो तो ये सारे हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ आपके यहाँ फॉलो हो रही है, इन्वायरमेंटल प्लान आपने बना रखा है, प्लान इम्प्लीमेंटेशन आपने कर रखा है, मॉनिटरिंग हो रही है, आपके यहाँ मैनेजमेंट रिव्यूज़ भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर यही है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो क्या क्या डिसीजंस ले रही है, सारे प्लान्स फॉलो कर रही है या नहीं, इन्वायरमेंट जो है वो कैसे आप सेफ रखवा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं उसे सेफ रखने के लिए, इन सारी चीज़ों पे बात कर रही है। ठीक है, तो ये जो आईएसओ 14000 है, 14001 है, इनमें यही सारी चीज़ें, मतलब 14000 से जितना भी रिलेटेड है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इन्वायरमेंट अगर अच्छा है, सेफ़ है, तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है वो काम करना तो है, आपको प्रोडक्शन करना है, सारी चीज़ें करना है, पर आपके यहाँ जो होने वाले एक्सीडेंट हैं या होने वाले पॉल्यूशंस हैं उनकी वजह से अगर इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये दिक्कत देने वाली बात है। तो आपको इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान देते हैं इन सारी चीज़ों पे, तो आप अपनी इंडस्ट्री की जो वैल्यू है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने से अगर आपकी इंडस्ट्री को ग्रीन मार्क मिलता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ग्रीन जोन में ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, है ना। तो यही है आईएसओ 14000 में, इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। तो 14000 जो है वो पूरे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है,
आपको अपने अपनी वर्क प्लेस से जितना भी आप सेफ रख सकते हैं एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के जगहों को पॉल्यूशन फ्री रख सकते हैं, उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो आज ही मैंने आपको ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 14000 के बारे में बताया, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। सो थैंक यू।